तो डी वाई ओवर डी एक्स अगर हम एक मरतबा ले तो उसको हम लिख सकते हैं एफ डॉट एक्स, ठीक है। इसको अब हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, मगर इसको हमने एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसका डेरिवेटिव लेंगे। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल क्या होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। आपने वो वीडियो देख लेनी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x की पावर स्क्वेयर रूट 1/2। स्क्वेयर रूट को हम पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इस पर जब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर रूल क्या होता है, हम लेंगे डेरिवेटिव, जब लेंगे तो एक तरफ एफ डॉट एक्स बन जाएगा, दूसरी तरफ हमारे पास जब पावर रूल लेंगे, पावर रूल होता है, पावर रूल को पहले लिखेंगे, पावर को, पावर है हमारे पास 1/2, ठीक है, और साथ में पावर में से माइनस 1 कर देंगे, 2x 1/2 माइनस एक्स माइनस 1, और साथ में डी ओवर डी एक्स इस पूरी अंदर वाली इक्वेशन का लॉग ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, ठीक है। तो लॉग का डेरिवेटिव हमारे पास जो होता है, अगर हम डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स का लेंगे तो हमारे पास होता है 1/x। एक्स की ओवर जो कुछ मर्जी हो हम उसको 1/x की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 लॉग ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/2, ठीक है, क्योंकि 2 1 2 1 -2 -1 ऊपर रह गया, नीचे हमारे पास 2 है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 1/x की फॉर्म में, x में हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है, हम इसको क्या लिखेंगे, 1/e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। लॉग का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं उसको 1/x की फॉर्म में लिखते हैं, साथ में उसका उस इक्वेशन का भी डेरिवेटिव लेते हैं नीचे वाले का, इसका, ठीक है, x का डेरिवेटिव भी साथ लेंगे। तो इसमें हम डेरिवेटिव d ओवर dx, अब पहले हमने क्या किया है, हमने पावर रूल अप्लाई किया, पावर रूल के बाद हमने लॉग अंदर वाली का डेरिवेटिव लिया। जब अंदर वाली का डेरिवेटिव लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम अब लॉग के साथ वाले जो सी हमारे पास इक्वेशन है हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 1/2 ऊपर माइनस 1/2 है नीचे, आखिर ये पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी, लॉग e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x की पावर 1/2 आ गया, ठीक है। और जब ये हमारे पास क्या है, 1/e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, अगर हम डेरिवेटिव लें e की पावर x हो तो हम उसको लिखेंगे e की पावर x और साथ में डेरिवेटिव उस पावर का, ठीक है। इसमें अब हम पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे e की पावर 2x और साथ में dx ओवर dx डॉट 2, क्योंकि जब पावर का हम डेरिवेटिव लेंगे x dx ओवर dx बन जाएगा, जब यहां पर 2 आ गया, ठीक है, और साथ में 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 2 प्लस का साइन e की पावर माइनस 2x डॉट dx ओवर dx, ठीक है, साथ में माइनस 2 आ गया, क्योंकि अब हमने ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2 स्क्वायर रूट लॉग e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, 1/2 को पावर को हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, ठीक है, तो साथ में हमारे पास क्या आ गया, 1/e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, तो ये हमारे पास आ गया 2e की पावर 2x, क्योंकि dx ओवर dx हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ठीक है, dx ओवर dx हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, और साथ में क्या आ गया, माइनस का साइन माइनस 2e की पावर माइनस 2x, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया 1/2, हम इसको ऊपर लिखेंगे 2e की पावर 2x
ठीक है, माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स, टू को हमने इसमें से कॉमन ले लिया, नीचे हमारे पास क्या है, टू स्क्वेयर रूट लॉग ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स, और साथ में ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स, ठीक है। तो ये टू के साथ टू कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास एक तरफ एफ डॉट एस एक्स है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एफ डॉट एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टू एक्स माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स, और नीचे हमारे पास आ गया स्क्वेयर रूट लॉग ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स, और साथ में हमारे पास क्या आ गया, ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स। तो ये हमारा पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। इसमें हम सबसे पहले हमने पावर रूल अप्लाई किया, ठीक है, फिर डेरिवेटिव लिया उस इक्वेशन का, ठीक है, इक्वेशन का डेरिवेटिव लेने के बाद हमने लॉग एक्स के साथ एक्स वाली टर्म का डेरिवेटिव लिया, एक्स वाली टर्म के साथ जब डेरिवेटिव लेंगे तो उसका उस पर अलग अलग पावर रूल अप्लाई होगा, वो लेने के बाद हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारा पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में भी हमने लॉग वाला ही क्वेश्चन है, वो इसमें अब हम पावर रूल अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, लॉग स्क्वेयर रूट ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें अब हमने फाइंड करना है एफ डॉट एक्स, ठीक है। तो इसमें अब हम लॉग के ऊपर स्क्वेयर रूट नहीं है, उस अंदर वाली इक्वेशन पर स्क्वेयर रूट है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग स्क्वेयर रूट ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। तो लॉग का डेरिवेटिव अगर हम ले डी ओवर डी एक्स, अगर लॉग एक्स का ले तो हमारे पास 1 ओवर एक्स आएगा, और साथ में डी एक्स ओवर डी एक्स, मतलब कि एक्स वाले का डेरिवेटिव हम लेंगे साथ में, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, जब डेरिवेटिव लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग का होता है 1 ओवर एक्स, तो ये हमारे पास 1 ओवर स्क्वेयर रूट ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, और साथ में डेरिवेटिव किसका होगा, इस पूरी इक्वेशन का। तो ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x है, स्क्वेयर रूट है पावर 1 ओवर 2 आ गया। तो जब इसका अब हम डेरिवेटिव लेंगे, इस पर अब हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। पावर रूल हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वेयर रूट ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। इसका जब हम इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल होता है पावर को पहले लिखेंगे, पावर में से माइनस 1 कर देंगे, 1 ओवर 2 माइनस 1, और साथ में डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स इस पूरी अंदर वाली इक्वेशन का। तो ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x आ गया इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इसका डेरिवेटिव लगा लेंगे, इसको जब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो हमारे पास आ गया 1 ओवर 2 स्क्वेयर रूट ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, ये वाला आ गया। और ये हमारे पास क्या आ गया, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x की पावर माइनस 1 ओवर 2, जब इसका आंसर लेंगे, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे, अगर डेरिवेटिव हम डी ओवर डी एक्स ई की पावर x का लें, दोनों वेरिएबल का पावर भी वेरिएबल हो और क्वेश्चन जो सा नीचे वाला वो भी वेरिएबल हो, तो हम उसका डेरिवेटिव क्या लेंगे, e की पावर x, और साथ में डेरिवेटिव उसकी पावर का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, e की पावर 2x, अगर 2 है यहां पर तो यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2, dx एक्स ओवर डी एक्स 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2, तो ये 2 e की पावर 2x होता है, अगर e की पावर 2x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 2 e की पावर 2x, ठीक है। इसी तरह अगर माइनस का साइन है पावर में, तो यहां पर भी माइनस आएगा, और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2 e की पावर माइनस 2x, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये नीचे चला जाएगा, तो ये 1 ओवर 2 स्क्वेयर रूट e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, स्क्वेयर रूट ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, ठीक है। तो साथ में ये हमारे पास, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x आ गया।
तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, और नीचे हमारे पास आ गया स्क्वेयर रूट e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, और साथ में ये है। तो इसको अगर हम कंबाइन कर लें तो तब भी ठीक है, अगर ना करें तो तब भी ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास होल का स्क्वेयर बन जाएगा, ठीक है। वरना तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम लिखेंगे e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, और नीचे हमारे पास आ गया e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x का स्क्वेयर रूट का स्क्वेयर क्यूब, ये दोनों पोल, ठीक है। हम इसको कंबाइन करके स्क्वेयर लिख दिया, ठीक है। स्क्वेयर के साथ स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो हमारे पास आ गया e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, और नीचे हमारे पास आ गया e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। तो ये अब हमारे पास हाइपरबोलिक सीरीज में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक होता है e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ओवर 2। तो 2 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। इसी तरह कोस हाइपरबोलिक होता है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x ओवर 2। जब 2 हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x है, 2 नहीं है नीचे, ठीक है। इसलिए हम 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास आ गया cos हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x आ गया। तो इसको अब हम sin ओवर cos की फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हमारे पास sin हाइपरबोलिक 2x ओवर cos हाइपरबोलिक 2x आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं tan x होता है sin x ओवर cos x के। तो ये sin है नीचे cos है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, tan हाइपरबोलिक 2x। तो ये हमारा पार्ट नंबर 8 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8।